हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है जेनाइटल फंगल इन्फेक्शन, जिसे हम लोग पिनाइल यीस्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिनाइल यीस्ट इन्फेक्शन क्या होता है? तो ये एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है जो पीनिस में होने लग जाएगा। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि यीस्ट इन्फेक्शन फीमेल से रिलेटेड होता है या फिर फीमेल्स को ये कंडीशन ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इक्वली मेल को भी अफेक्ट करती है। अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी मेल को पिनाइल यीस्ट इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि पर्सन को रेडनेस, सॉरनेस, स्वेलिंग फील होने लग जाएगा। इसके अलावा वाइट और शाइनी पैचेस बनने लग जाएंगे पीनिस के टॉप में। इसके अलावा कई बार ऐसा देखा जाता है कि पीनिस में स्मॉल डॉट जैसे स्पॉट बनने लग जाते हैं। फोर स्किन में भी काफ़ी सारे सिम्टम आते हैं, जैसे कि जो फोर स्किन है वो क्रैक होने लग जाती है, फोर स्किन में थिक वाइट डिस्चार्ज होने लग जाता है, और पर्सन को फिमोसिस भी हो सकता है। अगर किसी पर्सन को ये इन्फेक्शन हुआ है और वो सीवियर हो रहा है तो उनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है फोर स्किन को नीचे की तरफ पुल करने में। इसके अलावा अगर किसी मेल को फंगल इन्फेक्शन हुआ है जेनाइटल एरिया में तो उन्हें सीवियर रीचिंग फील होने लग जाती है, उन्हें यूरिनेशन के टाइम में बर्निंग फील होने लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा पेन फील होता है, जेनाइटल ऑर्गन से उन्हें डिस्चार्ज भी हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को ये इन्फेक्शन होने का। तो यीस्ट इन्फेक्शन होने का रीज़न है फंगस, जिसे कैंडिडा कहा जाता है। स्मॉल अमाउंट का फंगस सबकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब ये ओवरग्रोथ होने लग जाता है, ज़्यादा मल्टीप्लाई होने लग जाता है, तो ये बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करने लग जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन के लिए मॉइस्ट एनवायरनमेंट एक आइडियल एनवायरनमेंट होता है, और मॉइस्ट एनवायरनमेंट में ज़्यादा ग्रो करने लग जाते हैं, जैसे समर में ये बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं पर्सन को। अब मैं आपको इसका रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में रहते हैं जिन्हें ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो लोग क्लीनिंग नहीं करते हैं, जो लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते, ऐसे लोगों को ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा वीक इम्यूनिटी वाले लोग, जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा वीक है, या फिर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिन्हें कोई ऐसी बीमारी है जिसमें इम्यूनिटी वीक होने लग जाती है, जैसे कि HIV, तो ऐसे लोगों को ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा जो लोग केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट या फिर सोप का यूज़ जेनाइटल एरिया में करते हैं तो वो भी सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं, क्योंकि इन सब प्रोडक्ट के वजह से उनकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होती है और उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है। अगर कोई पर्सन बहुत सालों से कोई एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहा है तो उनको भी इन फ्यूचर ये इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक का यूज़ करने से हमारी बॉडी में जो गुड बैक्टीरियाज है वो भी किल हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब मैं आपको इसके कॉम्प्लिकेशन बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को ये डिज़ीज़ हुई है और उन्होंने उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया तो उन्हें इन फ्यूचर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो जिन लोगों को रिकरेंट इन्फेक्शन रहता है उनको इन फ्यूचर बेलेनाइटिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप पल्सटीला 30 का यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रेफाइटिस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप मेजेरियम 30 और आर्सेनिक एल्बम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। आपको 4-4 ड्रॉप दिन में 2 बार इन मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था पिनाइल यीस्ट इन्फेक्शन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है और इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।